हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 मई और आज आपकी लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म को लेकर। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कुल कितने आवेदन हुए और आपके करेक्शन डेट को लेकर यहाँ पर क्या बात की गई। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हम आपके साथ हैं। आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा हो, चाहे आपका संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया हो, या फिर आपका स्कॉलरशिप फॉर्म हो, या फिर परीक्षा फॉर्म, आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में आपके साथ है। तो आप लोग इसी तरीके के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्टूडेंट साथ अपने इस चैनल को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आपकी कल की न्यूज़ है, यानी कि 19 मई की न्यूज़ है। ठीक है, इसमें बताया गया था कि आपका 6.5 लाख यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। पिछली बार आपका 5.91 लाख आवेदन हुए थे, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपका एंट्रेंस कराया था। इस पर आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करा रही है और अब तक आपका 6.5 लाख आवेदन यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, 6.5 लाख आवेदन मिल चुके हैं, 2-4 हज़ार आज आवेदन मिल जाएंगे। आज आपकी लास्ट डेट है, तो आप जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया तो आज भी आप लेट फीस के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमने आपको यहाँ पर हमने आपको हर एक अपडेट दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करेक्शन डेट के बारे में। तो यहाँ पर ये आपका जो है आज की न्यूज़ है 20 मई की। इसमें लिखा गया है कि आपका आवेदन करने का आज आखिरी दिन, मतलब कि आखिरी मौका है 20 मई आज तक ये आपके आवेदन होंगे। इसके बाद कल यानी 21 मई से यहाँ पर आपके जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उनकी यहाँ पर जांच होगी। ठीक है, जो भी वेटेज आपने लगाए होंगे, जो भी आपके वेटेज या फिर जो भी शैक्षिक योग्यता आपकी रखी गई थी, वहाँ पर इन सारी चीज़ों का यहाँ पर चेकअप होगा। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पर चेक करी जाएंगी और जल्द ही जल्द इस प्रक्रिया को 6 से 7 दिनों में निपटा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25 मई के बाद आपके जो है एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। और इसके साथ आपने क्लासेस डेली चलाई जा रही है, तो आप डेली क्लास लाइव क्लास को ज्वाइन करो, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं करेक्शन डेट की बात करूँ तो यहाँ पर करेक्शन डेट के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इससे जो पहले आपकी न्यूज आई थी उसमें बताया गया था कि आपका 20 मई के बाद यानी कि 4 दिन तक यहाँ पर करेक्शन होंगे। ठीक है, 20 मई के बाद 4 दिन यहाँ पर करेक्शन पोर्टल ओपन होगा 21 तारीख। ठीक है, फिर आपका 22, इसके साथ ही आपका 23 और 24। तो कल यहाँ पर जैसे ही आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा मैं उसको चेक करूँगा और आप लोगों तक तुरंत ही हम उसे पहुँचाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो गया है फिर नहीं हो गया है, तो उसको हम तुरंत यहाँ पर बताएंगे। और करेक्शन पोर्टल ओपन होने पर भी सिर्फ 4 चीज़ों में करेक्शन किया जा सकेगा। ठीक है, सिर्फ 4 चीज़ों में करेक्शन किया जा सकेगा, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़, आपका भारांक में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट गलत लगा दिया है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, नया भारांक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र अगर आपने कोई गलत डाल दिया या फिर आपको प्रेफरेंस कुछ इधर उधर करनी है तो भी आप उसमें परीक्षा केंद्र में यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तीसरा, लिंक अगर आपने मेल फीमेल कर दिया तो भी आप उसमें जो चेंज कर पाएंगे। फोर्थ है आपका विषय वर्ग, अगर आपने कला या साइंस कुछ भी गलत कर दिया है अपना वर्ग, ठीक है, तो आप विषय वर्ग को भी यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो सिर्फ 4 ही चीज़ों में करेक्शन होगा और किसी चीज़ में आपका करेक्शन अलाउड नहीं होगा। तो जैसे कल करेक्शन पोर्टल ओपन होगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, कि आपका करेक्शन होने लगा और आप लोग इसी तरीके से साथ बने रहेगा। डेली लाइव क्लास होती है 10:30 बजे शाम 5:30 बजे, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी यहाँ पर एक डेली आपको मॉर्निंग डेली एक दोपहर में भी क्लास एक होगी। ठीक है, तो उसको भी आप डेली देखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी बने रहिए, वहाँ पर भी सुबह और शाम को आपके डेली क्विज के माध्यम से प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप हर जगह प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहिएगा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।